तो दोस्तों अगर बात करें डीजल टैंक की तो 70 लीटर का डीजल का टैंक हमारे को इसमें मिल जाता है जी। एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं, ट्रैक्टर की आवाज़ सुनते हैं जी, टर्निंग रेडियस वगैरह। तो दोस्तों जैसे कि आपने स्टार्टिंग चेक करी ट्रैक्टर की, CRDA इंजन थोड़े चक्कर लेके स्टार्ट होता है, ठीक है जी। इनलाइन पंप जो सप्लाई जल्दी करता है, ये थोड़ा टाइम लेता है। तो एक बार देख लेते हैं टर्निंग रेडियस। टर्निंग रेडियस दोस्तों बड़े ट्रैक्टरों की थोड़ी सी कम होती है मेरे ख्याल से। ये देखो जी, एक बार ऊपर से देख लो। तो ये बटन जो है ये एक बार ऐसे करके देख लेते हैं जी। इको मोड यहाँ पर आ जाता जी, पावर, और ये आ गया जी इको प्लस। आवाज़ चेक करो जी, है ही नहीं बिल्कुल। दोस्तों पैर पहले दबा रहा हूँ, रेस बाद में बढ़ रही है, देखना ये क्या चक्कर है जी। तो दोस्तों शुरू करते हैं जी ट्रैक्टर के बारे में बात, जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रैक्टर में हमारे को क्या कुछ मिल जाता है। दोस्तों बहुत ही बड़ा सा ट्रैक्टर लग रहा है जी। मैं अभी 3630 के पास खड़ा था तो यहाँ आया तो ये मेरे से भी ऊपर जा रहा है ट्रैक्टर। ठीक है दोस्तों, स्टिकर मिल जाते हैं TX न्यू हॉलैंड का, बहुत ही टॉप का जो हमारा मिल जाता है। लोगो साइड में भी आ जाता है जी, अब तक किसी ट्रैक्टर में नहीं आया। न्यू हॉलैंड 5620 प्लस का स्टिकर मिल जाता है। मडगार्ड इस तरह के मिल जाते हैं हमारे को। पीछे वेट मिल जाता है दोस्तों, इसमें हमारे को 50 किलो का वेट मिल जाता है टायर के अंदर, रिम के अंदर। अगले मडगार्ड आपको कुछ इस तरह के मिल जाएंगे। प्लेनेटरी गियर वाला फ्रंट एक्सल। अगर दोस्तों बात करें टायर साइज की तो आगे हमारे को 11-2-24 और पीछे 16-9-30 के जो हैं वो टायर मिल जाते हैं जी। फ्रंट में हमारे को दोस्तों मिल जाती हैं 30 किलो की 4 प्लेट, यानी कि 4×12 120 किलो वेट हो गया है प्लेट के, और मेरे ख्याल से कम कोई 35-40 किलो या 50 किलो का ये भी होगा। हाउसिंग भी काफ़ी भारी है, बैटरी भी वेट जो है वो देती है, आगे से सेफ भी रहती है और वेट भी आगे मिल जाता है जी। बहुत ही टॉप का जो हमारा लुक है वो मिल जाता है ट्रैक्टर का। आगे से यहाँ पर हमारे को मिल जाता है न्यू हॉलैंड का लोगो जी। ये है जी CRDA इंजन में। फ्रंट में मडगार्ड आपको मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री, हुड मिल जाता है जी बिल्कुल फ्री, छोटी सी जाली मिल जाती है जो सीधी हवा इंजन को जाए यहाँ से, और चकोर शेप में हमारी स्क्वायर में लाइटें जो है वो आ जाती हैं बहुत ही बढ़िया लुक के साथ। तो सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिल जाता दोस्तों। इसमें छोटी सी मेरे को कमी है कि ये लगी ट्रैक्टर में कि इतने बड़े आगे टायर लगे हैं, इसमें कम से कम डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग होना चाहिए था, कंपनी ने सिंगल एक्टिंग दिया, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर हमारे को दोस्तों मिल जाता जी A2, ये कोई इंजन का सिस्टम होता है, ये इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे ज़्यादा। प्लस न्यू हॉलैंड 5620 इस तरह का हमारे को स्टिकर मिल जाता जी। इंजन को कर दिया गया जी पूरे का पूरा कवर यहाँ से, और दो दो फिल्टर दिखाई दे रहे हैं नीचे से दोस्तों, यहाँ से तो कुछ दिख नहीं रहा, उस तरफ से भी खोल के देखेंगे जी। हीट गार्ड मिल जाते हैं दोस्तों जो ट्रैक्टर में हमारे को, शायद दोनों तरफ से हमारे को हीट गार्ड मिल जाते हैं, क्योंकि दोस्तों क्या रहता जी, जो CRDA इंजन होता है ये आम इंजन नेचुरल एस्पिरेटेड और टर्बो दूसरे पहले वाले जो इंजन होते हैं उनसे ज़्यादा हीट में चलता है, जैसे कि कारों का होता है, ठीक है जी। और वाटर सेपरेटर का आप देखो जी क्या बढ़िया सिस्टम लगा दिया, वाटर सेपरेटर इस तरह का मिल जाता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं ट्रैक्टर के इंजन के बारे में। इंजन दोस्तों हमारे को इसमें मिल जाता जी CRDA इंजन। कैटलैक कन्वर्टर हमारे को जो सबसे ऊपर मिल जाता है, जो हमारी हार्मफुल गैसेस होती हैं वो गैस को ये अंदर ही जमा कर लेता है, बाद में जो है वो बाहर नहीं आने देता, ठीक है जी। ये गाड़ियों में इस तरह के सिस्टम लगे होते हैं दोस्तों। यहाँ हमारे को मिल जाता है छोटा सा टर्बो देखने में, लेकिन बहुत ही हाई प्रेशर हवा देने वाला टर्बो है ये। और दोस्तों ये बात ऐसी है कि जो यहाँ पर इसका जो लगा आप देखो जी, वो दिखाई दे रहा होगा आपको अंदर, ये है जी ECU, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। तो दोस्तों सारा खेल यहीं से शुरू हो जाता है इसका, कि क्या रहता है जी, क्योंकि दूसरे ट्रैक्टर का जो पंप होता है वो क्या होता है जी, इन लाइन पंप जो होता है वो टाइमिंग से चलता है, जो ग्रारी से जुड़ा होता है वहाँ से चलता है, वो इंजन घूमता है, वो जो है तेल की सप्लाई हो जाती है डीजल की, तो वो काम वहाँ से करता जी। यहाँ से टाइमिंग का कोई सिस्टम नहीं है इसका, या सारा गेम जो है वो ECU का, ECU कमांड देता है। तो यहाँ पर जो सिस्टम लगा हुआ कॉमन रेल आ जाती है हमारे को इसमें मिल जाती है। कॉमन रेल में जो होता है CRDA का मतलब होता है जी कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। और इसका आप यहाँ से चेक करो, जो नोजल हैं आपको शायद दिखाई दे रही होंगी, बिल्कुल ऊपर लगी हैं, बिल्कुल सेंटर में। टॉर्क भी इससे बढ़ जाता है, और दोस्तों इससे
जो डीजल का जो बर्न होता है, जो जलता है डीजल, वो पूरा बढ़िया तरह जल भी जाता है। बाकी और इसमें कोई सिस्टम खास बदलाव नहीं है। ये नीचे का सिस्टम जो होता है ये सारा वही है, सिर्फ डीजल की सप्लाई का फ़र्क है। उसमें इनलाइन पंप के तरीके से जाता है, इसके ECU से कॉमन रेल से होके जाता है, और यही बस बदलाव है इसके। सेंसर वगैरह की बात उठ जाती है दोस्तों कई बार, अरे ट्रैक्टरों में सेंसर आ जाते हैं, बहुत ख़राब हो जाते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे नहीं दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है, गाड़ियों में सालों सालों से चलते हुए सेंसर आ रहे हैं। अच्छा दोस्तों, बात आती है कि सेंसर की ज़रूरत कहाँ पड़ी। सेंसर की ज़रूरत वहाँ पड़ी कि जब टाइमिंग नहीं है, गरारी वाला सिस्टम तो कोई है नहीं है। अब क्या हो गया जी, ECU ने बताया कॉमन रेल को, कॉमन रेल ने नोजल में पहुंचाया इंजेक्टर में, तो वहां से जब इंजन जब स्टार्ट हुआ, ये चीज़ है जी। वहां सेंस जो होती है वो सेंसर यूरत एक तो वहां पड़ी, और उस पर जो पंप होता है एक वहां ECU आ गया, और एक जो दोस्तों यहां पर इसमें सब असल में ना दोस्तों इस ट्रैक्टर में क्या सब ढका हुआ सिस्टम, एक तो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर ये है जी इसका पंप, जैसे गाड़ियों में होता है, यहाँ से इसको दबा के जब डीजल इन केस ख़त्म हो जाए तो दोस्तों यहाँ पर जो सेंसर है, फ्राई व्हील के चक्कर हैं, जो फ्राई व्हील के चक्कर जो है उसको जो सेंसर जो है वो गिनता है, उसको गिन के ECU को बताता है, ECU फिर आगे कॉमन रेल को, कॉमन रेल से फिर पंप जो डीजल है वो नीचे गिरता है। मतलब ये मेरे कहने में तो बहुत देर लगी, लेकिन ये फटाफट से ये काम होता रहता है। ठीक है जी। और जो दोस्तों कुछ भाई डरते हैं जी क्या होगा ट्रैक्टर ख़राब हो जाए, दोस्तों इसमें भी कार की तरह लैपटॉप जो कंप्यूटर सिस्टम है उस तरह का यहाँ पे एक जगह बनी होती है ट्रैक्टर में, वो शायद कुछ ट्रैक्टरों की यहाँ पर होती है, इसकी शायद अंदर है उधर कहीं, तो वहाँ पर लैपटॉप की जो पिन होती है वो लग जाएगी, सारे का सारा डाटा आपका लैपटॉप में आपके दिख जाएगा कि ट्रैक्टर में क्या कमी है क्या नहीं, फटाफट से सही हो जाता है। डरने वाली बात नहीं है, कुछ भाई हमारे डर रहे थे, लेकिन दोस्तों इसमें डरने वाली बात सिर्फ एक है कि 2-2.5 लाख रुपये ट्रैक्टर महंगा ज़रूर हो गया पहले वाले से, ये चीज़ है। इसका जो प्राइस है वो लगभग आपको 14 लाख के आसपास का पड़ेगा जी, ये हमारे उत्तराखंड में, बाकी किसी शहर में थोड़ा बहुत कम, किसी में थोड़ा बहुत ज़्यादा भी होता ही है। तो दोस्तों एक बार चल देते हैं ऊपर बैठ के देखते हैं, यहाँ पर हमारे को एक बढ़िया चीज़ मिल जाती है, यहाँ ये है जी 1, 2, 3 इको, इको प्लस और पावर मोड। इको पर 45 HP, इको प्लस पर 55 और पावर मोड पे 65 HP पावर जो इंजन निकाल के आपको दे देता है। इस मोड का ये फ़ायदा दोस्तों कि जैसे आप रोड पे ट्रैक्टर चला रहे हो तो आपको ट्राली वगैरह आपके पीछे नहीं है ट्रैक्टर के, तो आप इसको 45 पे चला सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से डीजल खर्चा आप इसका बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो, ये थोड़ा सा इसमें फ़ायदा है। ताकि ये जो ट्रैक्टर होता है CRDI इंजन वाला, ये दूसरे इंजनों से ज़्यादा थोड़ा हीट में चलता है, थोड़ा ज़्यादा गर्म चलता है, इस वजह से इसका जो फ़ैन वगैरह है वो भी बहुत ज़्यादा तगड़ा दे दिया गया है। ठीक है जी। और दोस्तों एक चीज़ मेरे को बड़ी हैरानी की आई है कि यहाँ मैंने आपको पीछे जैसे दिखाया है, दिखा देता हूँ एक बार फिर दिखा देता हूँ जी, कि ट्रैक्टर 65 HP का है, 64 HP की PTO पावर यहाँ पर लिखी हुई है, ये आप ये चेक करो जी, 64 HP PTO पावर और 186 ग्राम पर किलोवाट के पर HP के हिसाब से, SFC इसकी बहुत सही है, 186 185 SFC होती है 3630 की, और इसकी 186 है। और ये चीज़ जो है मेरे को कोई समझ नहीं आ रही कि 65 HP ट्रैक्टर का इंजन है और 64 HP की PTO पावर है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसके बारे में जानते हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना जी। ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि 65 HP इंजन की पावर और 2931 CC 291 Nm का टॉर्क जो हमारे को मिल जाता है दोस्तों 1400 RPM पे, और 2300 रेटेड RPM वाला इंजन हमारे को इसमें मिल जाता है। रेटेड RPM खाली जो दोस्तों ऐसे होते हैं बैकअप टॉर्क के लिए जैसे रेटेड RPM होता है, लेकिन रेटेड RPM पे ट्रैक्टर कभी भी चलता नहीं है। ठीक है जी। यहाँ पर आप अपना फ़ोन वगैरह भी रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। क्लच ब्रेक डिस्क ब्रेक मिल जाती हैं। अगर यहाँ लेफ़्ट की बात करें तो हाई लो मीडियम क्लच अलग भी मिल जाता है। फोर ये PTO का लीवर आ गया, यहाँ पर आ जाता है जी 4x4 का लीवर, और यहाँ 1, 2, 3, 4 और बैक यहाँ आ गया। डिफरेंशियल लॉक ट्रैक्टर में मिल जाता है। हैंड ब्रेक DC लीवर PC लीवर अलग मिल जाता है। लिफ्टोमेटिक है, सेटिंग ही सेटिंग है पता नहीं कितनी। ये अडॉप्टर हमारे जो पीछे लगे हैं दोस्तों उसका आ गया लीवर। बहुत सिस्टम है ट्रैक्टर में। तो एक बार पीछे का लुक चेक कर लेते हैं एक बार दोस्तों, यहाँ से देख लेते हैं जी पीछे का लुक इस तरह का मिल जाता है ट्रैक्टर का। और हमारे को यहाँ पर दोस्तों इसमें रिफ्लेक्टर, एडजस्टेबल सीट,
टॉप लिंक होगी, वाटर बोतल होल्डर जो हमारा यहाँ ऊपर लगा दिया गया जी, टूल बॉक्स यहाँ आ जाता है, 6 साल की टी वारंटी, न्यू हॉलैंड का स्टीकर वगैरह जो हमारे को लाइट यहाँ आ जाती है, नंबर प्लेट हमारी यहाँ लग जाएगी। पिछला हिस्सा दोस्तों हमारा रिडक्शन वाला मिल जाता है, यानी कि हब वाला, जैसे कि कभी 5911 ट्रैक्टरों में आए करते थे। यहाँ हमारे को बहुत ही हैवी लिफ्ट की कैपेसिटी मिल जाती है, 25 क्विंटल के लगभग हमारे को मिल जाती है, ऊपर ही होगी कम नहीं होगी, इसी रैम के साथ ट्रैक्टर मिल जाता है जी। वही 24-25 सेटिंग जैसे दूसरे ट्रैक्टरों में है न्यू हॉलैंड की, उसी तरह हमारे को यहाँ भी डबल ऑब्जरी वाल और यूनिट मिल जाता है हमारे को यहाँ पर अडॉप्टर करंट के लिए। और दोस्तों अगर बात करें पीटीओ की, तो पीटीओ मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। इसकी दोस्तों एसएफसी है जी 186 और पीटीओ पावर जो मिल जाती है 64 HP की। इसका मतलब है कि ट्रैक्टर का खर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल सही है जी। और बाकी ट्रैक्टर आपको कैसा लगा, अगर मेरे से कोई चीज़ छूट गई हो, मेरे को पता दोस्तों बहुत सी चीज़ें मेरे से छूट गई हैं, क्योंकि ट्रैक्टर हमारे यहाँ पहली बार आया है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज अभी जो है वो मिल नहीं पा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो बताने वाले होते हैं जी वो भी नहीं है। जो मेरे को थोड़ा बहुत समझ आया मैंने आपको बता दिया, प्राइस भी बता दिया दोस्तों, 14 लाख के आसपास का ट्रैक्टर है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना, और अगर आपको भी कोई नॉलेज हो तो मेरे को कमेंट करके दोस्तों बता दिया करो, जिससे क्या रहता है आने वाली वीडियो में मैं सुधार कर सकूं। वीडियो का यहीं पर करते हैं एंड, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।